इनके लिए कोई ट्यूशन वगैरह का अगर हो सके व्यवस्था तो आप देखिए करिए, कोई अभियान चलाइए हिंदी की जी साक्षरता का, तो फिर बात जी किया जाएगा। डॉक्टर जो 24 अकबर रोड में है मिश्रा जी। अमिताभ जी, ओपनिंग रिमार्क में ही जो आपने बातें बोली बड़ी गंभीर थी, कांग्रेस वाले तो माफी नहीं मांगेंगे। चलिए मैं कांग्रेस की तरफ से माफी मांग लेता हूं कि आप लोग इनको माफ कर दीजिए। उसके पीछे कारण है, जी कारण ये है कि जिनको भाषा का ज्ञान नहीं, अगर मैं हिंदी की बात करूं, जहां पे बिंदी और हलंत अलग अलग जगह पे लगाने या हटाने से पूरा मतलब ही बदल जाता है, तो उपमा क्या होता है, अलंकार क्या होता है, किसकी तुलना कब करनी चाहिए, इनको नहीं पता है। बहुत से जगह पे रावण की भी उपमा दी जाती है अच्छे कामों के लिए, जैसे रावण बड़ा विद्वान था। और रही बात श्रेय देने की, तो शायद इनको अपने इतिहास और कल्चर का नहीं पता है, रामचंद्र जी ने खुद छोटी सी गिलहरी को श्रेय दिया था जो अपने शरीर पे बालू को लपेट करके पुल बनाने में डालती थी। इन्होंने बात कुत्ते की तो शायद इनको ये भी नहीं पता है श्वान या कुत्ते का कितना महत्व है हमारे समाज में। धर्मराज युधिष्ठिर के साथ अंतिम समय में जाने वाला एकमात्र कुत्ता था। आज भी मिलिट्री में CISF में श्वान जो है एक ब्रिगेड होती है जिसमें कुत्ते होते हैं, उनकी सेवाएं ली जाती हैं, और अगर वो मर जाते हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, तो उनको भी पूरा सैनिक सम्मान दिया जाता है। तो मुझे ये लग रहा है कि पिछले 8-10 सालों से कांग्रेस की वो जमात या वो लीडरशिप जो भारत को जानती थी वो खत्म हो गई। जब तक ये भारत को जानते थे तब तक जो है ये भारत की राजनीति में चमकते हुए सितारे बने रहे। मणिशंकर अय्यर ने ऐसे गलत शब्दों का प्रयोग किया, एक एक नेताओं की लिस्ट है आप देख लीजिए। और आज खड़गे जी ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो ये इनकी अज्ञानता है, ये भारत को नहीं समझ पाए हैं, हिंदी जैसे विषय को नहीं समझ पाए हैं कि छोटी छोटी बातों से कितना बड़ा अर्थ या अनर्थ हो जाता जी। है। अब इनके लिए कोई ट्यूशन वगैरह का अगर हो सके व्यवस्था तो आप देखिए करिए, कोई अभियान चलाइए हिंदी की साक्षरता का, तो फिर बात जी किया जाए। डॉक्टर AK मिश्रा साहब, दो नाम मेरे दिमाग में तत्काल आते हैं कि स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक, और दूसरे बिरसा मुंडा, जिनको अब हम लोग भगवान बिरसा मुंडा के नाम से जान रहे हैं, ठीक। आज से 5-7 साल 8-10 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी के समय तक, क्या भारत में किसी को ये इल्म था कि ये भी लोग आजादी की लड़ाई में कुछ काम किए थे? किसानों के बीच में सहजानंद सरस्वती और आदिवासियों के बीच में बिरसा मुंडा, कभी इनके बारे में कोई फोटो कोई तबसरा किसी ने सुना था क्या? किसी बड़े नेता ने बोला कि भाई बिरसा मुंडा ने भी कुछ काम किया था? ये तो अभी जाके उनके उस पर स्मृति दिवस और ये सब और एक महिमा मंडन हुआ तब हम लोग जान पाए कि भाई बिरसा मुंडा की भूमिका क्या थी। मिश्रा जी, बात सही है, और अपने यहां आजादी की अगर लड़ाई देखें तो हर शहर से कोई ना कोई जो है ऐसा वीर सपूत पैदा हुआ है जिसने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। इवन गांव के बगल में शहीद झूरी सिंह का है, शायद वो इतिहास में कहीं नहीं है। मैं बोलना ये चाहता हूं कि ऐसे इतिहासकार जिनकी कलमें बिकी हुई हो या जिनके कलम में स्याही ब्रिटेन की या कहीं और की रही हो, और जिन्होंने ऐसे ऐसे वीर लोगों को इतिहास के पन्ने से गायब कर दिया, हमें उनके ऊपर भरोसा और मलाल भी नहीं है। लेकिन ये राष्ट्र कृतज्ञ है, ये समाज कृतज्ञ है। बिरसा मुंडा और भी जितने आजादी के दीवाने रहे हैं उनको किसी सरकार की लेखनी की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं ये समाज अभी नहीं, इसके पहले भी जिन लोगों ने समाज के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है, वो लोकोक्तियों में, कहावतों में, मुहावरों में, किस्सों में हमारे जनमानस में है, और हम लगातार उनकी बात कर रहे हैं। इन्होंने नहीं लिखा, किसी ने नहीं लिखा, उनका अपना स्वार्थ रहा होगा, राजनीति से प्रेरित रहे होंगे, पैसों का लेन देन रहा होगा। ऐसा तो भाई गांधी परिवार में, अगर मैं नेहरू परिवार की बात करूं, मोतीलाल से लेकर के कुल मिला के 8-10 लोग रहे होंगे। इंदिरा गांधी जी को भी 2 लड़के 2 बहुएं, उसके पहले भी देखिए इंदिरा गांधी के पहले भी देखिए जवाहरलाल नेहरू, उनकी वाइफ, और जो लड़के वगैरह जो भी रहे हों, 8-10 लोगों की फैमिली ने पूरे 100 साल तक कॉन्ट्रीब्यूट किया। ये तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब इस देश में जो भी चीजें हो रहा था, क्या किसी एक संस्थान या एक फैमिली के लोगों ने ये सारी चीजें कर दी? अगर भारत ने विकास किया, कुछ भारत आकर बाद मना, हजारों मजदूरों ने वहां पे दिन रात मेहनत की है, तो क्या उनको श्रेय नहीं मिलेगा?
या कोई और चीज बनी, आईआईटी अगर आज वर्ल्ड लेवल की बनी, तो एक प्यून से लेके वहां पे जितने भी टीचर रहे हैं, अथक परिश्रम उनका रहा है, तब जाके ये संस्थान, ये देश आज ठीक बात वैश्विक जी उस पे ठीक रहा बात है। ठीक बात। अरुणेश यादव जी, जो बात एके मिश्रा जी कह रहे, क्या ऐसा संभव है कि कुल जमा 8-10 लोगों का, 15 लोगों का परिवार मोतीलाल जी से लेके और अब तक का है, जो लोग सार्वजनिक जीवन में रहे उस परिवार से, सारा जो कुछ इस देश में अच्छा हुआ वो उसका श्रेय अकेले उनको दे दें, और जो कुछ इस देश में अच्छा नहीं हुआ, शुभ नहीं हुआ, उसकी जिम्मेदारी दूसरों पर डाल दें?